एक ओर समूचा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, वहीं भारत अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न वैश्विक समुदायों के साथ परस्पर साझेदारी बढ़ाने की अपनी यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रूस के मॉस्को में हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सुषमा ने कहा कि ऐसे माहौल में जब वैश्विक विकास मंदी के दौर से गुजर रहा है, ब्रिक्स देश वैश्विक विकास के इंजन बन सकते हैं। ब्रिक्स देश पिछले एक दशक में वैश्विक परिवेश में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। ब्रिक्स देशों के बीच में स्वाभाविक समानताएं हैं जिनको बचाने की जरूरत है। सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि भारत में कुछ नीतिगत बदलावों के बाद विकास के परिवेश में काफी सुधार हुआ है। रेलवे, रक्षा और बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाई गई है। कोयला और खनन क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है। साथ ही सरकार एक समय सीमा के अंदर GST कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वराज ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच में छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को लेकर सहयोग की जरूरत है, जो काफी महत्वपूर्ण है। 40% से ज्यादा ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था इसी क्षेत्र पर आधारित है और भारत ने इन उद्योगों के एकीकरण के लिए एक प्रस्ताव बैठक में रखा। दरअसल सुषमा स्वराज 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात भी की और दोनों देशों के बीच आपसी भागीदारी पर चर्चा की। DD न्यूज़।